अजीम रहमत ने अस्सलाम वालेकुम 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जंग शुरू हो चुकी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्ला फौजों को अपने जौहर दिखाने का मौका अता किया है। मेरे मकनों आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान 6 सितंबर 1965 को जब पाकिस्तानी शहीन भारतीय फजाइया पर लपके तो पल का ये जीवन है, कुछ करना है तो कर गुजरो। की जंग में पाक फजाइया ने बर्री और बहरी अफवाज के साथ मिलकर भारतीय जारियत का मुकाबला किया। तुम्हारी जोए दिलनशी जबीने कायनात है, वफा की रोशनी हो तुम बना अंधेरी रात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लहू जो है शहीद वो कौम की ज़कात है। तुम ही से है मुजाहिदो जहाँ का सबात है। तुम ही से है मुजाहिदो जहाँ का सबात है। पाक फजाइया ने दुश्मन के तैयारों को न सिर्फ भागने पर मजबूर किया बल्कि 60 से ज्यादा तैयारे तबाह कर दिए। इस पर चमके साए तले हमने सांझी अपनी खुशियां कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है। जवानों सितंबर की सुबह पाकिस्तान की फिजाई हदूद में जासूसी की नियत से 4 भारतीय नेट लड़ाका तैयारे दाखिल हुए तो पाक फिजाइया ने अपने शेरों फ्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्ला और फ्लाइंग ऑफिसर अब्बास मिर्जा को F-104 लड़ाका तैयारे के जरिए इन जहाजों का मुकाबला करने के लिए सरगोधा एयरबेस से भेजा। हवाई मुठभेड़ में भारतीय नेट तितर बितर हो गए और जान बचाकर भाग गए, लेकिन इनमें से एक तैयारा
بزدل اسکواڈرن لیڈر برج پال سنگھ اڑا رہا تھا۔ اس نے پاکستانی شاہینوں کے سامنے شکست تسلیم کی اور پسور ایئر بیس پر اترنے میں ہی عافیت جانی۔ یہ جہاز آج بھی پاکستان ایئر فورس میوزیم میں کھڑا بھارت کی شکست کی یاد دلا رہا ہے۔ بادلوں کے ساتھیوں پر خشاں مجاہدوں۔